Good morning, students. This is your MS subject, and today we are going to start the second chapter of this MS, Living Cleanly. Okay? So, let's start this chapter. Before going to start, I want to tell you that in this chapter we are going to know about the hygiene, what is hygiene, and how we can become self-aware. Okay? So let's start this chapter, Living Cleanly. Hygiene means keeping ourselves clean. Cleanliness and hygiene go together. If things around you are clean, then only you can keep yourself clean. However, if things around you are dirty, you cannot keep yourself clean. So hygiene का मतलब होता है अपने आप को साफ रखना. ओके, क्लीननेस एंड हाइजीन गो टुगेदर. हाइजीन और क्लीननेस, स्वच्छता और क्लीननेस एंड हाइजीन, क्लीनिंग में होता सफाई और हाइजीन में होता स्वच्छता, ये दोनों साथ साथ ही रहते हैं. If things around you are clean, then only you can keep yourself. अगर जहाँ आप रहते हैं आपके आसपास अगर सफाई नहीं है तो आप स्वच्छ नहीं हो सकते, आप अपने आप को साफ नहीं रख सकते. However, things around you are dirty, you cannot keep yourself clean. और अगर आप जिस जगह पर रह रहे हैं आपके आसपास चीज़ें साफ हैं तो ही आप अपने आप को साफ रखते हैं रख सकते हैं, और अगर आपके आसपास चीज़ें गंदी हैं तो आप चाह के भी अपने आप को क्लीन नहीं कर सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप खुद को साफ रखना चाहते हैं तो आपके आसपास जिस जगह पे आप रह रहे हैं वो जगह भी साफ होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन कीप योर सेल्फ क्लीन. सो हियर इज द स्टोरी गिवन इन दिस चैप्टर, इट इज अबाउट हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ क्लीन. स्कूल, द स्कूल इंस्पेक्शन. ओके, सो रीड दिस स्टोरी, देन यू विल come to know how we can keep ourselves clean. Okay, one day a surprise health inspection was conducted in a class. An inspector come to the class and started checking the clothes, ears, nails, hair, skin, etc. एक दिन क्या हो, कब स्कूल्स में ऐसे ही इंस्पेक्टर आते हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट के होते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए कि स्टूडेंट कैसे आ रहे हैं, वो क्लीन है कि नहीं. तो वन डे, एक दिन ऐसे ही एक स्कूल में एक सरप्राइज इंस्पेक्शन हो जाता है और इंस्पेक्टर आते हैं, वो चेक करते हैं बच्चों के क्लोथ्स को, उनके ड्रेसेस को, ईयर्स, नेल्स, हेयर, सारे बच्चों को. आफ्टर ऑल द चिल्ड्रेन वर चेक्ड, विशेष वॉज डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास. जब उन्होंने सारे बच्चों को चेक कर लिया तो उसके बाद उन्होंने विशेष डॉय हु वॉज इन दैट क्लास, जो उस क्लास का एक बच्चा था विशेष जिसका नाम था, उसको इंस्पेक्टर ने क्लीनेस्ट स्टूडेंट डिक्लेयर किया, सबसे साफ बच्चा, सबसे साफ छात्र. The inspector asks a few questions to Vishesh, which were answered by him as under. उसके बाद इंस्पेक्टर ने उससे बहुत सारे क्वेश्चंस किए, जो अभी आप जानेंगे कि वो क्या क्वेश्चन थे. Here the first question, inspector, he asked, Vishesh, when do you brush your teeth? Vishesh answered, I brush them in the morning and at night. इंस्पेक्टर ने पूछा कि विशेष आप अपने दांतों को कब साफ करते हो? विशेष ने आंसर दिया, आई ब्रश देम इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, में सुबह में ब्रश करता हूँ और रात को भी करता हूँ. इंस्पेक्टर, डू यू टेक बाथ एवरी डे? हाउ डू यू टेक योर बाथ? क्या तुम रोज नहाते हो और कैसे नहाते हो? विशेष आंसर दिया, यस सर, हाँ सर, आई टेक बाथ एवरी डे, मैं रोज नहाता हूँ. आई एंजॉय माई बाथ टाइम, मैं जब मैं नहाता हूँ तो मैं उसे बहुत इंजॉय करता हूँ. आई लव मेकिंग सोप बबल्स, और जब मैं नहाता हूँ तो मैं साबुन से सोप के बबल्स बनाता हूँ. आई हैव माई ओन सोप, मेरे पास मेरा खुद का साबुन है. यू शुड ऑल एवरी वन चिल्ड्रेन, आपको अपना अलग अलग टॉवल, अपना अलग सोप रखना चाहिए.
ताकि ये सभी जो यूज करते हैं वो आप यूज ना करो. इट इज गुड फॉर हाइजीन. ओके, माई सिस्टर रब सोप अंडर माई आर्म्स एंड ऑन माई नेक. जो सिस्टर है मेरी, मेरी बहन, मेरी सोप को मेरे अंडर आर्म्स पे लगाती है एंड ऑन माई नेक, मेरे गर्दन पे लगाती है. इन द पिक्चर यू कैन सी. देन इंस्पेक्टर आस्क्ड, हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉश योर हैंड्स एंड फेस. कितने बार आप अपने चेहरे और हाथों को धोते हो. विशेष आंसर दिया, आई वॉश देम व्हेन आई रीच होम आफ्टर द स्कूल. विशेष ने बोला कि सर मैं जब घर पहुंचता हूँ, स्कूल के बाद जब मैं घर पहुंचता हूँ तो मैं अपने हाथ और चेहरे को धोता हूँ. एंड देन अगेन वॉश देम व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम द पार्क आफ्टर प्लेइंग. और जब मैं पार्क से वापस खेल के जब मैं घर आता हूँ तो भी मैं अपने चेहरे और अपने हाथों को धोता हूँ. इंस्पेक्टर, व्हाट डू यू डू इन द पार्क. विशेष, आई हैव मेनी फ्रेंड्स देयर. विशेष ने कहा कि मेरे वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लीन द पार्क. जब हम जाते हैं सबसे पहले हम पार्क को क्लीन करते हैं एंड वी थ्रो रैपर्स एक्सेट्रा इन डस्टबिन. जो भी रैपर्स पार्क में इधर उधर फेंके रहते हैं हम उनको कलेक्ट करके डस्टबिन में डालते हैं. देन वी इंजॉय ऑन स्विंग एंड प्ले मेनी अदर गेम्स इन द पार्क. उसके बाद हम झूला झूलते हैं और बाकी के गेम्स को खेलते हैं. इंस्पेक्टर, डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम इन डूइंग द हाउस होल्ड जॉब्स. इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या तुम अपने पेरेंट्स के घर के कामों में हेल्प करते हो. विशेष आंसर, यस आई हेल्प माई पेरेंट्स इन कीपिंग द हाउस क्लीन. हाँ, मैं अपने पेरेंट्स की मदद करता हूँ घर को साफ रखने में. ऑन संडे आई हेल्प माई डैड इन क्लीनिंग द कार. और संडे को मैंने अपने डैड की हेल्प की थी कार को साफ करने में. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर. इंस्पेक्टर अगेन आस्क्ड, हाउ हु कट्स योर नेल. तुम्हारे नाखून कौन काटता है. विशेष आंसर, माई मदर कट्स माई नेल्स वंस अ वीक. मेरी माँ वीक में एक बार मेरे नेल्स को काटती है. शी हैड कट इट यस्टरडे. और उन्होंने इसे कल ही काटा था. इंस्पेक्टर, हाउ ऑफन आर योर ईयर्स क्लीन. तुम अपने कान को कब साफ करते हो. माई मदर क्लीन्स दैम आफ्टर एवरी 10 डेज. हर 10 दिन के बाद मेरी माँ मेरे कान ईयर्स को साफ करती है. शी क्लीन दैम विद अ कॉटन बर्ड. और वो उसे किससे साफ करती है, कॉटन बर्ड. स्टूडेंट दिस हियर, यहाँ तक हमने किया है. अभी बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. बिकॉज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. अगर मैंने इसे सारे लेसन को अभी एक्सप्लेन किया तो ये अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. सो हियर वी हैव डन टूडे कॉटन बर्न. इट इज रीड फ्रॉम द स्टार्टिंग. ओके, इन आर नेक्स्ट वीडियो वी कम्प्लीट दिस चैप्टर एंड वी विल डू द एक्सरसाइज ऑल्सो. यू रीड फ्रॉम द स्टार्टिंग.